एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने रामगढ़ ताल नौकायन पर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि नौकायन मार्ग पर यातायात सुगम बनाने एवं यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले विरुद्ध कार्रवाई हेतु नौकायन तिराहा पेडलेगंज व चंपा देवी पार्क पर वाहन चेकिंग ड्यूटी लगाई जा रही है, जो कि नियमों का उल्लंघन करने पर एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो कोई बिना हेलमेट वाहन चलाएगा तथा 3 सवारी वाले वाहन तथा हाई स्पीड वाहन चलाने पर तथा शराब पीकर वाहन चलाने पर एवं लापरवाही पूर्वक में खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर तथा बिना नंबर प्लेट की गाड़ी तथा नंबर प्लेट गाड़ी पर कुछ लिखे होने पर वाहनों का चालान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान इंटरसेप्टर वाहन भी वाहन की स्पीड मीटर के साथ मौजूद रहेगा तथा डायल 112 के भी 2 वाहन चेकिंग के दौरान मौजूद रहेंगे और पेडलेगंज से नौकायन तक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नौकायन मार्ग पर आने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। चेकिंग के दौरान एंटी रोमियो प्रभारी भी अपनी टीम के साथ मौजूद रहकर कार्रवाई करेंगे। इस अवसर पर एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, रामगढ़ताल थाना प्रभारी जय नारायण सिंह, नौकायन चौकी प्रभारी अंजनी कुमार यादव सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, जाने वाले पे लगाओ जहाँ पर रूप स्पीड ना पकड़ सके, ऐसे रूप से लगाइए, ठीक है ना। फिर कैमरा पे रिकॉर्ड क्यों होता है, रिकॉर्ड बच्चे करेंगे, वहाँ चलो चलाएंगे तो कहाँ
कार्रवाई होगी, ठीक है, इसको आप लोग इंश्योर करेंगे, ठीक है। बस ये 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम में दिखती है, और कुछ नहीं। बस हम ये चेक करेंगे, सुबह भी किसी को चेक करने की ड्यूटी हम कर देंगे, शाम को तुम लोगों को चेक करना है, सुबह हमारी ड्यूटी चेक कर देंगे, ठीक है। लोगों को सब वैसे वो खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए नजर ना आए, ठीक है, बिना हेलमेट के। जहाँ सिक्सैक बैरियर है वहीं आपकी ड्यूटी है, सिक्सैक बैरियर से निकलेगा भाई, ठीक है। किसी को भगा के नहीं पकड़ना, भगा के पकड़ना एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, वो भी नहीं होना चाहिए, ये भी जाए एक्सीडेंट ना हो, पर अपना दिमाग का प्रयोग करना है, ठीक है। अब इसको हम पीछे ले जाएंगे, ठीक है। वहाँ बैरियर है, वहाँ दो सिपाही लगा है, और दूसरे वाले बैरियर पे जो है ना, अभी आज देखो हेलमेट लगाए घूम रहे सभी लोग, ज्यादा तो लोग हेलमेट लगा नहीं है, वहाँ पे गाड़ी बिना हेलमेट नहीं आ रही, बस इसमें लोग रहेंगे तो सभी चीज़ जैसे अभी कुछ नहीं है, जिसमें लोग ड्यूटी में आ लो आधे भी खाने के, मतलब फ्री हम लोग एकाध राउंड लगा दें, शाम के बस एकाध राउंड, एक राउंड जिनको लगाओ ज़्यादा जरूरत नहीं, तुम सुबह का राउंड मुझे दे दो, एक राउंड लगाना है, ताकि क्या है कि चीज़ें लेकिन आए तो भी 8-9 बजे भी आए यहाँ पे, जब ये तो बंद करा देते, लेकिन लोग तब भी होते उधर काम पीते पाए जाते हैं, टीम के पीछे वो खाए जाते हैं, लोग इधर एक पास के लिए पास की दूसरी एक टीम भी बहुत है, एक टीम सफिशियन है, इसमें रन करते हैं, हाँ वही बहुत जरूरी है। या इस रोड पे या इस रोड पे, ठीक है, इस रोड पे डाल दो या इसी रोड पे डाल दो, ये ना खड़े हो, ठीक है, ये दोनों बैरियर जो अभी जो पड़े थे ना जिग-जैग वाले, वो यहाँ डाल दो, ठीक है, दो सिपाही यहाँ लगा दो, मतलब 3 सिपाही यहाँ लगा दो, जैसे ये जितने लड़के आते ना ये वाले यहाँ आकर के जाएंगे, वो तो यहाँ आगे आगे रोड ठीक ठाक बनी हुई है, तो यहाँ दौड़ाते गाड़ी, यहाँ पर ये दोनों बैरियर मंगवा लो बेटा, जो बैरियर है कोई लड़के पूछता हूँ और सिपाही को जो लेके आए यहाँ यहाँ लगवाओ, वो बैरियर वहाँ के लगे इसी पे, जो गाड़ियों की जगह ले आओ यहाँ पे लगाओ, हम देख के आ रहे हैं, ठीक है ठीक 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 है ठीक है, अभी देखो वापस हेलमेट लेंगे नहीं, गाड़ी लगाएंगे चलाने का मजा ज्यादा आ रहा है, पहले नंबर प्लेट ले आओ बेटा फिर चलाओ, सर लगवा लेंगे अभी आया नहीं, चश्मा उतारो पहले तुम, अपना समझे, पुलिस लाइन रामगढ़ दाल थाने पहुंच जाना, छोड़ दो पीछे बैठा लो, तुमको चलाओ पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, चलो चलो बैठा दे, चलो बिना हेलमेट गाड़ी, पीछे बैठो पीछे बैठो बेटा, आ जाओ तुम घूमते आ जाओ, उससे आया ही नहीं ना, तुम उससे नहीं आए, नंबर प्लेट आया ही नहीं है ना सर, तुम पैदल जाओगे आज क्या करोगे सर, पैदल चला जाओगे, लेकिन नंबर प्लेट आया नहीं तो लगवा लेते, नंबर प्लेट नहीं आया, क्यों लाए गाड़ी भैया सर, क्यों लेके आए गाड़ी नंबर प्लेट बना सर, ऐसे नंबर बेटा पुलिस की वर्दी पहन के निकल जाओ कल, तो तुम नहीं सर, तो तुम लगेगी नहीं, क्या लगेगी सर, अगर ऑफिस से नंबर प्लेट आता कल परसों निकल, चलो जाओ घर जाओ सर, प्लीज सर घर जाए, तो बस करो ट्यूशन पढ़ा दो, कहाँ ट्यूशन पढ़ा दो, क्या पढ़ाते ट्यूशन, नंबर नंबर है इसके ऊपर, क्या नाम क्या काम कर, टीचर हो जी, तो बिना हेलमेट क्यों चल रहे हो, अरे टीचर तो देश का भविष्य सुधारोगे आप, तो कैसे काम चलेगा,
इसके चालान काटोगे 50-25 रुपए 100 रुपए जो कटता है कटवाओ 1000 रुपए। कैसे पता टीचर को क्या सबूत है आप बताओ सर? टीचर ही हो कैसे मानू मैं आपकी बात? कोई आईडी वगैरह कैसे मानू कि आप टीचर हो? राशिद भाई बच्चों को पढ़ा के आ रहे हो? ये बिना उसके हेलमेट के पढ़ाने को राशिद भाई बोला गया? जहाँ जाते हैं आज थोड़ा सा करते हैं, आज जाते हैं मतलब जाते हैं रोजाना लगा के जाते हैं थोड़ा सा। कहाँ के रहने वाले हो जी? कहाँ के रहने वाले? महाराज में मतलब पढ़ता है, रहते हैं किराए मकान लेके रहते हैं। कहाँ पे? हाँ शादी वादी हो गई? नहीं किसी स्कूल में पढ़ाते हो? स्कूल नहीं प्राइवेट ही घर घर में। किसका नाम भैया? नाम है ABCD का नहीं है। कौन सड़की गाड़ी है? हेलमेट कहाँ द्वारा? गाड़ी ले चलो चालान कटवा के वापस जाओ। चलो चलो बैठो बैठ जाओ। तुम आप पैदल बैठो, तुम बेटा पैदल घुमाते हैं बार बार जाकर पैसा कमाते हैं। ये उम्र घुमाने की जगह नहीं है, ठीक है? बंद कर दीजिए, ले जाइए अपने वापस। ठीक है यहाँ बहुत गाड़ियाँ चलती है, वहाँ चलते हैं, भी देख सकता है। देखिए ये रामगढ़ ताल के पास में पेडलेगंज से लेकर के और नौकायन चौराहे तक और उसके बाद जहाँ जू बन रहा है यहाँ तक की रोड पर बहुत अच्छी भीड़ होने लगी है और पर्यटक आते हैं लोग। इनकी सुरक्षा के दृष्टिगत लोग हेलमेट लगा के आएँ, ओवर स्पीडिंग ना करें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, हेलमेट लगा के चलें। इसको लेकर के हम लोगों ने पुलिस के 3-4 पॉइंट बनाए हैं, वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर और 4-4 कॉन्स्टेबल्स की तैनाती की है और बैरियर्स लगाए हैं ताकि लोग जो है आराम से चलें और धीरे चलें ताकि कोई एक्सीडेंट्स ना हो, किसी तरह कोई क्राइम ना हो। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज फुट पेट्रोलिंग करके निर्देश दिए हैं और आदेश जारी किए हैं। यह कंटिन्यूस चलता रहेगा मॉर्निंग में 5:30 से सुबह 8:30 बजे तक और इवनिंग में 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक, ताकि यहाँ पर लोग आराम से पर्यटक घूम सकें और उनके साथ कोई वारदात न होने पाए, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। ओवर स्पीडिंग के लिए भी हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस का स्पीडोमीटर लगा करके चालान करने की व्यवस्था की है, जो हेलमेट नहीं पहनेगा उनके विरुद्ध भी चालान किया जाएगा। एक तरीके से हम रामगढ़ ताल क्षेत्र में इस एरिया में बिना हेलमेट चलने वालों पर कार्रवाई करेंगे और 3 सवारी चलने वालों पर कार्रवाई करेंगे ताकि जो है लोग सलीके से और MV एक्ट के नियमों के पालन करते हुए वाहन को चलाएं। यह व्यवस्था हम लोग पूरे शहर में भी लागू करेंगे और यहाँ पर लगभग क्योंकि बहुत भीड़ होती है, 1 से 1.5 लाख पर्यटक प्रतिदिन आते हैं, संडे को तो बहुत अधिक भीड़ होती है, इनकी सुरक्षा के दृष्टिगत यह व्यवस्था आवश्यक है और जू के उद्घाटन के बाद शायद यहाँ भीड़ और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, उसके दृष्टिगत इस सुरक्षा को हम लोगों ने किया है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।